आपको इस प्रॉब्लम में फाइंड आउट करना है नेट फोर्स। जब ये चार्ज पार्टिकल यहां पर होगा ओरिजिन से वाई डिस्टेंस पर होगा तो इस पर नेट फोर्स कितना होगा। आप सभी लोग जानते हो प्लस प्लस में क्या होता है, रिपल्शन। प्लस प्लस में क्या होता है, रिपल्शन। ये दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे। क्यों? चार्जेस के प्रोडक्ट सेम है, सेपरेशन भी सेम है, इसलिए फोर्स के मैग्नीट्यूड कैसे होंगे, सेम। यदि मैं इसको थीटा कंसीडर करूं तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। आप सभी लोग जानते हो यहां पर कॉस वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट होंगे और साइन वाले कंपोनेंट ऐड होंगे, यानी यहां पर फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, नेट फोर्स हो जाएगा 2F sin थीटा। आप जानते हो F किसके इक्वल होगा, 1/4 pi epsilon naught Q Q naught अपॉन स्क्वायर ऑफ सेपरेशन। ये सेपरेशन कितना होगा, ये A है, ये Y है, तो ये सेपरेशन हो जाएगा √a² + y² स्क्वायर से रूट कैंसिल इनटू साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस कितना हो गया, √a² + y², यानी F नेट इज इक्वल टू आएगा 1/2 pi epsilon naught Q Q naught y / a² + y²^3/2। आप इस प्रॉब्लम में देख रहे हो जैसा कि कंडीशन आपको गिवेन है, ए इज वेरी वेरी लार्ज, तो हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो यहां पर एफ नेट इज इक्वल टू आएगा 1/2 pi epsilon naught Q Q naught y / ये हो जाएगा, इसको हम जीरो कंसीडर कर देंगे, इसके रिस्पेक्ट में ये वेरी वेरी स्मॉल है, इसको निग्लिजिबल कंसीडर करेंगे, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, ये ए क्यू। आप क्या देख रहे हो, यहां पर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। आंसर क्या होगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई 28। प्रॉब्लम नंबर 27।